हाई एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल इफ़ यू गाइज वॉचिंग दिस फेस एट फर्स्ट टाइम ऑन यू ट्यूब हाई माई नेम इस एंड दिस इज माई यूट्यूब चैनल सो गाइज टूडे आईम गोर् ना गिव यू टेन लाइफ चेंजिंग ब्लाउज हैक्स दैट विल गिव यू द वेडिंग एंड इंडियन फेस्टिवल सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स चम्प टू द वीडियो गाइज काफ़ी बार ये होता है कि हम लोग जो ब्लाउज पहनते हैं तो पीछे से जो हमारे जो ब्रास स्ट्रेप है वो दिखते हैं ठीक है एंड उससे भी ज़्यादा वियर्ड बात यह है कि आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं जो रिलेटिव है वो आपको कोनी मार मार के बोलते हैं कि अरे यार तेरा जो ब्रा का स्टेप है वो दिख रहा है लाइक like, मतलब उतना इम्बेस्ड फील नहीं होता है जितना कि लोग आके आपको बताते हैं कि यार आपकी जो ब्रा की स्टेप है वो दिख रही है तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो मुझे लिटरली एक लड़की ने ऐसे करके बोला एडी तेरा दिख रहा है तेरा दिख रहा है लाइक क्या यार फिर मैंने uh, so guys, ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो सो so गई जो ब्रा की स्टेप हमारे हुक में फंसी सॉरी uh, मेरे ब्रा में हुक में जो फंसी हुई रहती है उसे खोलना है इजीली खुल जाती है ये एंड जहाँ पे था एकदम जस्ट उसके कोने में जाके हमें इसे इस जगह पे स्टिच कर देना है ताकि पहनने के बाद दोनों साइड से दिखे ना एंड सुई धागे की हेल्प से मैं इसे स्टिच कर दूँगी सेम प्रोसेस मैं दूसरे साइड भी करूँगी ताकि दोनों में से किसी तरह से भी हमारे जो ब्लाउज है उसमें ये स्ट्रैप्स दिखे ना गाइज ऐसा ना बहुत बार होता है हम लोगों के साथ कि हमारे जो ब्लाउज का जो हुक होता है वो पीछे की साइड होता है ठीक है एंड बहुत बार ऐसा होता है कि लगाने के लिए कोई नहीं होता है हमारे साथ में तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हो ब्लाउज को सीधी करके लेना अभी थोड़ी मेरी ब्लाउज उल्टी है मैं सीधी कर लेती हूँ ब्लाउज को सीधी करके लेना ठीक है उसको इस तरह नीचे कर देना ये देखो मेरी सीधी पार्ट है ना ये ये तो अब मैं इसको ऐसे कर दूँगी ठीक है और जो भी मेरा हुक का जो साइड होगा उसे मैं लूँगी राइट की तरफ मैं यहाँ पे गलत ले रही थी गाइस सो so, ये मेरा हुक का है साइड अब मैंने इस तरह से करके इसे ले लिया अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी अपना जो हुक है उसे लगा लूंगी यहाँ पे नीचे में एंड गाइज इन केस आपका जो ब्लाउज है वो लूज um, है ठीक है मेरा आ, मेरा ये ठीक है ठीक ठाक फिट हो जाता है अगर आपका ब्लाउज़ लूज़ है तब तो ठीक है आपको पहनने में दिक्कत नहीं होगी एंड गाइज इन केस अगर आपका ब्लाउज काफ़ी ज़्यादा टाइट है आपको फिटिंग वाले ब्लाउज पहनना पसंद है तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हो थोड़ा सा सांस अंदर कर लेना ऐसे खींच के और उसके बाद ये वाला हैक ट्राई करना तो इस तरह करके आपको अपना हुक जो है वो लगा लेना है सबसे पहले एक मिनट मैं जस्ट लगा के बताती हूँ सो so, लग जाने के बाद आपको अपना ब्लाउज जो है आगे की ओर घुमा लेना है ठीक है ये आपकी ब्लाउज आगे की ओर घूम गई ना यू कैन वेयर योर ब्लाउज इजिली गाइज सी कोई दिक्कत नहीं हुआ ठीक है एंड मेरी ये ब्लाउज वेल फिटिंग है ठीक है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लूज है इसलिए मुझ मैं आसानी से पहन मैंने इसे आसानी से पहन लिया ऐसा कुछ नहीं है एंड गाइज अगर आपका ब्लाउज़ फिट है तो आप बस थोड़ी सी सांस अंदर कर लेना ये ईजिली हो जाती है एंड गाइस सेम प्रोसेस हम खोलते टाइम भी करेंगे सिंपली जो है ब्लाउज़ को ऐसे कर लेना है ब्लाउज़ को फिर से आगे की ओर घुमा के लाओ और अपना जो है हुक को, को खोल लो एंड गाइज इजीली हो गया गाइज मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है ना कि हमारे कुछ ब्लाउज होते हैं जिसमें कि डोरी होती है ठीक है मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपनी एक ब्लाउज सपोज दैट ये वाली ब्लाउज़ है और इसमें डोरी लगी हुई है ठीक है एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है ना हमारे आसपास कोई होता नहीं है इसे लगाने के लिए एंड खुद से लगाने में क्या होगा ना लगाने में क्या होगा ना कि आप या तो उसे काफ़ी ज़्यादा टाइट लगा लेते हो या तो आप उसे काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर लेते हो ठीक है या फिर अच्छे से लगा ही नहीं पाते हो ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको एक हैक बता रही हूँ जिसका यूज़ करके आप ना अपने अकॉर्डिंग उसके लूज़ या टाइट कर सकते हो सो गाइज़ so इसके लिए आपको क्या करना है सो so गाइस सबसे पहले आपको अपने ब्लाउज़ को रख लेना है फ्लोर पे इस तरह से एंड उसके बाद एक सिंपल सा लूप बनाना है जैसा कि मैं वीडियो पे बना रही हूँ एंड मैंने वीडियो बड़ा स्लो में बनाया है तो आप इसे आसानी से देख सकते हो और सीख सकते हो ठीक है एंड सेम प्रोसेस मैं दूसरे साइड भी करूँगी एंड गाइस जिसे करने के बाद ना आप क्या कर सकते हो आप आसानी से खुद से लगा सकते हो इस ब्लाउज को ख़ुद से टाइट कर सकते हो लूज कर सकते हो जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो अपने फिट के अकॉर्डिंग ठीक है अब इतना करने के बाद इस लटकन को मैं लूँगी और ये वाले लूप में इंसर्ट करूँगी ठीक है अब गाइज मैं दूसरे साइड वाले लटकन को लूँगी एंड उस लटकन को इस वाले लूफ में इंसर्ट कर दूँगी एंड गाइज बस हो गया इतना ही काम था उसके बाद बस आप इस तरह से ब्लाउज इस रस्सी को जितना खींचोगे ना वो उतनी ज़्यादा टाइट होगी एंड फिर बीच से आप इस तरह करके लूज कर सकते हो एंड फिर से रस्सी टाँट के फिर से आप इसे टाइट कर सकते हो सो गाइज ये था हमारा हैक आई होप कि आपको ये हैक अच्छा लगा होगा तो so गाइज़ हम सभी को डीप नेक वाले ब्लाउज पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है बट काफ़ी टाइम हमारा ये सोचने में निकल जाता है कि आ, इसके नीचे हम लोग पहने क्या ठीक है इसके अंदर हम लोग पहने क्या और उसके बाद फिर अचानक से मूड चेंज हो जाता है अरे यार छोड़ो इसमें तो फिर ये दिखेगा वो दिखेगा साइड से फिर हमारा जो माइंड है वो चेंज हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या क्या कर सकते हो जब भी आप अपना ब्लाउज स्टिच करवाओ तो सबसे पहला तो ये कि जो इस तरह की पैडेड आती है आप वो लगवा सकते हो अपने ब्लाउज में ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट देगा आपको एंड द सेकेंड थिंग जो आप करवा कर सकते हो मार्केट में अवेलेबल है स्टिकी ब्रा आप चाहे तो आप उसे यूज़ कर सकते हो बट अकॉर्डिंग टू मी जितना मुझे उसका रिव्यू पता है वो uh, उतना अच्छा सपोर्ट नहीं देता है द थर्ड ऑप्शन इज आप यूज़ कर सकते हो बॉडी टेप का ये आपको अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू स्टिकी ब्रा ये uh, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं बॉडी uh, टेप क्योंकि आप इसे ना अपने अकॉर्डिंग इसे आप टाइट कर सकते हो लूज़ कर सकते हो जिस तरह का सेप चाहो आप उस तरह का सेप दे सकते हो इस टेप से uh, तो ये था मेरा नेक्स्ट हैक सो so गाइज़ बहुत बार ये होता है ना कि हम लोग आ, मार्केट से जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं मार्केट में मॉल में तो हम लोग ना वहाँ पे कोई अच्छी सी डिज़ाइनर ब्लाउज़ देख के ख़रीद लेते हैं एंड होता क्या है घर आने के बाद हमें लगता है कि अरे यार इसकी तो जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है वहाँ पे तो हमने ट्राई ही नहीं किया सो so, ऐसे सिचुएशन में बताती हूँ आप क्या कर सकते हो अभी मेरे पास वैसी ब्लाउज तो नहीं है बट मैं एक एक सूट का एग्जांपल दिखा रही हूँ इस सूट में है ना यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ था ठीक है जो कि आ, उस टाइम पे हम लोगों को पसंद नहीं आया था तो हम लोगों ने सिंपली क्या करवाया एक ब्लैक कलर का नेट लिया है एंड गेज देख सकते हो ये इसे मैच कर रहा है ठीक है तो इस तरह का ले सिंपली हमने इस जो गैप है उसको बंद करवा दिया था ठीक है तो इस तरह से अगर आपके पास कोई आ, ब्लाउज है जो काफ़ी ज़्यादा डीप है और आपको नहीं पसंद आ रही है तो आप इस तरह करके आप सिंपली अपने घर में कर सकते हो बहुत है ये आप चाहो तो आ, इसे डबल लेयर में कर सकते हो या फिर वन लेयर में कर सकते हो टोटली योर चॉइस हमने जो है इस सूट में इस सूट में हमने डबल लेयर करवाया था ठीक है ये काफी सॉफ्ट वाली नेट नेट थी सो so, गाइस ये था मेरा नेक्स्ट हैक गाइज बहुत बार ये होता है ना कि हमारे पास कुछ ब्लाउज ऐसे होते हैं जिसकी जो जम्ब्रॉयड्री होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हमें ना वो साइड से चुभने लगता है एंड किसी किसी आ, फैब्रिक की मटेरियल मतलब किसी किसी की फैब्रिक ब्लाउज की फैब्रिक ही ऐसी होती है कि वो एचिंग करता है काफ़ी ज़्यादा तो आ, ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ मेरे पास जैसे कि ये कुर्ती है ठीक है तो इसके ना कॉलर साइड में इस तरह की डिज़ाइन की हुई है ठीक है तो जब मैं पहनती हूँ तो इसके लिए जो पार्ट है ना वो इस जगह पे चुभता है ठीक है तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हो सबसे पहला तो ये जैसे कि इस ब्लाउज़ में किया गया है आप सकते हो इस तरह से अलग से कपड़ा लेके अगर इस साइड कुछ एचिंग हो रही है हमारी नीचे साइड में ठीक है तो सेम उसी कलर की कपड़े ले आप इसके ऊपर से इस तरह करके सिलवा सकते हो ठीक है एंड द सेकेंड एंड द सेकेंड स्टेप इज आपको लेना है इस तरह से टेप जो कि नॉर्मली सबके घर में होता है जस्ट वेट अ सेकेंड टेप आई होप कि दिख गया हो एंड सपोज डेट कि यहाँ पे ये चुपता है तो मैं अब इसे इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगी ठीक है और पहन लूँगी एंड गाइस ये वाइट कलर का है तो ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा एंड ये चुभे भी चुभेगी भी नहीं आपको सो so, ये था मेरा नेक्स्ट हैक गाइज़ बहुत बार ये ऐसा होता है ना कि हमारी जो ब्लाउज है वो साइड से गिरने लगती है ठीक है आ, वो या तो लूज़ फिटिंग के कारण होता है या फिर अच्छे से सिलाई किया हुआ नहीं होता है इसके कारण होता है एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा वेट लॉस हो जाता है उसके कारण वो जो है ब्लाउज़ गिरने लगती है तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो मार्केट में क्लोदिंग टेप मिलती है गाइज आप उसको क्या करना सिंपली ऐसे करके उसको हटाना है ठीक है अपने आ, कंधे पर रख लेना जितना आपको सपोर्ट चाहिए उतनी बड़ी आप ले लेना और उसके बाद अपनी जो ब्लाउज है उसे वहाँ पे फिक्स कर देना एंड गाइस ये काफी ज़्यादा लॉन्ग इफ़ेक्ट देता है और आपकी जो ब्लाउज है वो बार बार स्लिप भी नहीं करेगी तो गाइस काफी बार ऐसा होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे हमारा जो ब्लाउज होता है उसके जो हुक होते हैं वो टूट जाते हैं एंड उस टाइम पे हमारे पास नहीं धागा होता है नाई सुई होता है तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो आपको यूज़ करना है इस टाइप के एक पिन का थोड़ा बड़े साइज वाले ठीक है और उसको जहाँ पे भी आप हुक को लगाते हो उस साइड में आपको इंसर्ट करना है बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस तरह से पिन घुसाया देन फिर से आपको अंदर करना होगा छोटे छोटे लेना है आपको जिस तरह से उसका बनाया जाता है उस तरह से एंड गाइस इस तरह करके इस तरह करके आपको जो है अपना पिन लगा लेना है और सिंपली अपने ब्लाउज़ के जो हुक है उसमें आपको ब्लाउज़ के हुक को लगा देना है ठीक है अच्छा सॉरी मैंने क्या बोला वीडियो में नहीं अगर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो लगाने वाला साइड होता है जो धागा वो खुल जाता है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो मैंने गलत बोल दिया कि अगर आपका हुक टूट गया है तो तो आप ये कर सकते हो एंड इस तरह करके लगा सकते हो और सेकेंड थिंग अगर आपकी ब्लाउज लूज़ है तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो लाइक जिस जगह पर आप की जो ब्लाउज़ फिट हो रही है उस जगह पे करके आप लगा सकते हो एंड वाइज आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने अंदर से पिन लगाया है या कुछ भी एंड इस तरह करके पिन को जो इंसर्ट किया है उससे जो है आपकी आ, जो आ, हुक है वो खुलेगी भी नहीं तो ये था हमारा नेक्स्ट हैक Uh, हमारा जो नेक्स्ट हैक है वो ये है कि काफ़ी टाइम ना हम लोग बस ये सोचते रहते हैं कि लाइक उसके मैचिंग का अगर हमें नहीं पहनना होता है तो uh, जैसे कि मान लीजिए उसमें कोई हैवी uh, वाले वर्क होते हैं और हमें वो नहीं पसंद आते हैं तो हम लोग बस सोचते रहते हैं कि अरे यार इसके साथ कौन सा ब्लाउज ले कैसा अच्छा लगेगा तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो uh, आप ना एक क्रॉप टॉप लेना अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो सभी में ईजिली मिल जाते हैं जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ इस क्रॉप टॉप का एंड गाइज एज़ यू कैन सी कि मैंने टिपिकल वाली इंडियन साड़ी पहनी हुई है इसके साथ एंड ये इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है सो so गाइज इस तरह आप एक क्रॉप टॉप का यूज़ कर सकते हो अपने साड़ी के लिए एंड गाइज केस अगर पास अगर आपके पास कोई प्रिंटेड क्रॉप टॉप है ठीक है लाइक like उसमें बहुत सारा प्रिंट किया हुआ है फ्लोरल डिज़ाइन है तो आप क्या कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में आप बस ये देखना इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आप जो साड़ी पहन रहे हो उस कलर का प्रिंट उस टॉप में आपके है या नहीं अगर उस कलर का को कोई भी प्रिंट आपके टॉप में है तो आप उसे इजीली कैरी करना बिना कोई झिझक के आपके आपके उस साड़ी के साथ वो ब्लाउज अच्छी लगेगी ही एंड लगेगी वो मैचिंग वाली और साथ में आपको एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ भी मिल जाएगा सो या गाइज इस तरह से आप अपने क्रॉप टॉप को एज अ ब्लाउज़ यूज़ कर सकते हो सो so, गईज हमारा जो लास्ट हैक है वो आ, हैक तो है ही साथ में कुछ टिप्स भी है जो कि आ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ काफ़ी बार क्या होता है ना कि हम दर्जी के पास जाते हैं एंड दर्जी के पास हम लोग सिंपली क्या करते हैं भैया ऐसे ऐसे सी देना ठीक है ऐसे ऐसे इधर से ऐसे ऐसे काट के ऐसे ऐसे सी देना एंड बेचारा वो कंफ्यूज हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में या तो आप ये करो कि प्रॉपर स्केच बना के दो उसे कि हमें इस डिज़ाइन का चाहिए ठीक है और या तो फिर जितना हो सके आप उसे फोटो दिखाओ ठीक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसे फ़ोटो दिखा के उसके बाद अपने ब्लाउज़ सिलने के लिए बोलो तो इससे ब्लाउज ज़्यादा अच्छे सिलते हैं आ, और एक टिप ये है कि गाइज़ नाप देने से ब्लाउज़ का नाप देने से अच्छा है कि आप अपने बॉडी का मेज़रमेंट दें क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना जैसे कि मैं भी बताती हूँ सपोज़ दैट कि मैंने इस ब्लाउज़ का जो है नाप दिया है और मैंने उसे बनवाने बोला है ठीक है इस ब्लाउज़ का मैंने नाप दिया है एंड सपोज दैट कि मुझे ये बनवाना है और मैंने इस ब्लाउज़ का नाप दिया है तो ये जो ब्लाउज़ की फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी है एंड उसके कंपेयर ये ब्लाउज की जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है तो अगर ये स्टिच होके आएगी इसके अकॉर्डिंग इस ब्लाउज के अकॉर्डिंग तो सिंपली हमें क्या होगा ना लूज़ होगा तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ना नाप देने की वजह ब्लाउज देने की वजह जगह पे आप आ, क्या करो अपनी बॉडी का मेज़रमेंट दो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है ठीक है सो गाइज़ दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो आई होप कि आपको टेन हैक्स अच्छे लगे होंगे आपको पसंद आए होंगे ये हैक्स सो गाइज़ अगर आप वीडियो पे नए हो तो uh, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये वीडियो आगे और पहुँचे सभी के पास ओके सो बाय मिलती हूँ नेक्स्ट कंटेंट में